तस्वीरें हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो तेंदुआ ग्रीन बेल्ट पार्क में गांधीनगर में पहुंचा तो उसने क्या यहां पर भौंचाल मचाया हुआ था। उस चीते की तस्वीरें भी दिखाएंगे और उन लोगों की भी तस्वीरें दिखाएंगे जो लोग उस चीते के अटैक से जख्मी हुए, क्योंकि ये तस्वीरें हम जब लाइव कर रहे थे हमारे पास नहीं थी। एक व्यक्ति जो थे बुजुर्ग थे जिसको चीते ने जिसका जिनके फेस पे ही अटैक कर दिया था, तो उस समय तो हमारे पास तस्वीरें नहीं थी, तो उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेकर जाया गया था। एक व्यक्ति वो थे और उसके अलावा दो और लोग थे, यानी कि तीन टोटल लोग थे जिसमें वन विभाग के दो लोग थे, जो रेस्क्यू टीम आई थी उनके भी दो लोग थे, उसमें एक डॉक्टर था। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं क्योंकि ये भयावह तस्वीरें हैं, भयानक तस्वीरें हैं। और एक प्रश्न ज़रूर ये खड़ा होता है कि ये जो जंगल के जानवर हैं वो अब शहरों की तरफ कूच क्यों कर रहे हैं। पहले ये तस्वीरें देखें। जैसे नॉर्मलाइज होता है उसके बाद जंगल में हम सिविलाइज होके भी हम अनसिविलाइज काम करते हैं।
जब वाइल्ड एनिमल हैबिटेट एरिया में आता है तो उसको नेचुरल पास देना जरूरी होता है। हम लोगों ने उसको क्राउड कर दिया चारों तरफ से, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। और फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम अगर ट्रैंक्वलाइज करने की भी कोशिश करते हैं तो एनिमल स्ट्रेस में होता है, वो ट्रैंक्वलाइज नहीं हो पाता, इसलिए इसको देरी हो गई। थैंक यू सर। फर्स्ट टाइम मैंने ही देखा उसको इधर। अच्छा जी, मैं सामान लेने इधर आया तो इधर ही मलिहट में ही बैठा हुआ था। जब अंदर आके बैठ गया था, जब मैंने देखा उसको तो मैं घबरा गया कि ये कहाँ से आ गया। तो मैंने सभी मालियों को बाहर निकाला और गेट के बाहर निकाल के तो गेट बंद कर दिया, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो पुलिस आई और बाद में ये रेस्क्यू किया। जिस व्यक्ति पे उसने अटैक किया था सर, वो बिजली डिपार्टमेंट का है, यहाँ से भाग के वो वहाँ गया था। वो फिर सब यहाँ से भाग कर भी वो वहाँ एक वहाँ किया जख्मी, तो जहाँ डॉक्टर साहब थे जो वाइल्ड लाइफ के थे उनको भी जख्मी किया। फायर कर रहे थे, जो फायर कर रहे थे ना, तो उनको भी जख्मी, बड़ी मुश्किल से उनको छुड़वाया वहाँ से, तो फिर वही छिप गए जाके। कहाँ पे उसे फिर बांधा गया सर? वहाँ से लेके जहाँ पीछे से आके इंजेक्ट किया हुआ था उसको, दो इंजेक्शन लगे थे। हाँ, इधर इधर से जाके वहाँ से उसको ऐसे जाल में लपेट के वहाँ से खींच के यहाँ लाया, तो पिंजरे में डाला। यहाँ आ गया था वो? जी जी। तो यहाँ पे उसे फिर जाल में डालकर लपेट कर फिर ले गया। कितना कितना बड़ा था सर? कम से कम कोई 6-7 फीट। 6-7 फीट था। हेल्दी था सर? हेल्दी हेल्दी था, बिल्कुल बिल्कुल। खतरनाक था लोगों के लिए, जहाँ के लोग जैसे आवाजाही बहुत है यहाँ, तो इनके लिए खतरा हो सकता है। जंगल कटेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, जो शहर में आएंगे। तेंदुए के हमले से जो लोग ज़ख्मी हुए उन लोगों को इलाज के लिए यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, एमरजेंसी वार्ड में उन लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उनके मुंह का जबड़ा भी जो था वो तेंदुए ने वो तोड़ दिया था, काफ़ी ब्लड उनसे निकल रहा था। और जब हमने जाके अंदर देखा तो हमें भी बड़ा दुख हुआ देखते हुए। और एक बुज़ुर्ग उनकी जान बच गई, ये हम कहेंगे कि जान बच गई। और बाकी दो और व्यक्ति थे जो वाइल्ड विभाग के, जो वन विभाग की टीम थी, रेस्क्यू टीम, उनके ही दो लोग थे। उनमें से एक डॉक्टर था जो जिसने फायर किया था, इंजेक्ट किया था उस तेंदुए को, वो भी ज़ख्मी, क्योंकि तेंदुए ने उसके ऊपर हमला किया था। उसके बाद उससे बचाव के लिए उनका एक और व्यक्ति था जो डंडे से उस तेंदुए को रोका, वो भी ज़ख्मी। जब वो भागकर वापस चढ़ रहे थे गाड़ी में तो उनको तेंदुए ने यहाँ टांग से काटा था। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो इस वक्त तक अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो है, जो आला अधिकारी है, इन लोगों का हाल जानने यहाँ पर नहीं आया है। ये काफ़ी शर्मसार बात है कि लोग अपनी जान पर खेल कर इन लोगों ने तेंदुए को बचाया, लेकिन यहाँ हालचाल पूछने भी कोई नहीं आया कि आप कैसे हैं, क्या परेशानी है, हम कोई मदद कर सकते हैं, किसी को कोई लेना देना ऐसा लगता है इन डिपार्टमेंटों के लोगों को। ये आला अधिकारी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि कोई मर रहा है, जी रहा है, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त जब मैं यहाँ से ये कवरेज कर रहा हूँ, तब तक की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं आया है इन लोगों का हाल जाल जानने के लिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक शहर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे नमस्कार।